फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है जो एनएक्स में नया लोग है इसके लिए है बेसिकली, क्योंकि आज का जो वीडियो है हम एक जो आपकी देख पा रहे हो मोटर ब्लोअर असेंबली है इसकी हम जो है मॉडलिंग करने वाले हैं, और जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका हम असेंबली करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि जो लोग नया है तो पूरा असेंबली देख ले। यहाँ पे बेसिकली जितना भी पार्ट है आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितने पार्ट है। ये देखो असेंबली है, ये आपको एक्सप्लोडेड व्यू है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कॉम्पोनेंट है, तो एक एक चीजें हम यहाँ पे बनाएंगे विद डायमेंशन के साथ। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहला जो क्लास होंगे, सबसे पहले क्लास में हम क्या करेंगे जो हम तीन तीन पार्ट के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होंगे, सबसे पहले कंपोनेंट में हम ये तीन पार्ट बनाएंगे, जैसे एक दो तीन, ये तीन पार्ट बनाएंगे। सबसे पहला जो क्लास होगा इसमें हम तीन पार्ट विद डायमेंशन बनाएंगे, जैसे एक एक डायमेंशन यहाँ पे गिवेन है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक एक डायमेंशन गिवेन है, उस गिवेन डायमेंशन से हम इसकी जो पार्ट है मॉडलिंग करेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी असेंबली करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है नंबर मेंशन थे। अगर आपको एनएक्स एडवांस क्लास ज्वाइन करना है, मोल्ड डिजाइन ज्वाइन करना है, आपको मोल्ड डिजाइन में तीन तरीके से कराता हो, सॉलिडक्स में भी कराता हो, एनएक्स में भी कराता हो, केटीएम में भी कराता हो, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, शीट मेटल डाई हो गया, हर तरीके से क्लासेस वगैरह अवेलेबल है। आप नंबर मेंशन थे वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ मस्त चीजें मिस मत करना। अगर आप जो पीडीएफ चाहिए मैं आपको पीपीटी जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इस तरीके से देख के पूरा इसको बना सकते हो। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिसने भी मेरा ये वाला चैनल नहीं देखा चैनल जाके देख ले, क्योंकि ये जो चैनल है इस वीडियो में रेगुलर वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे 21,000 के सब्सक्राइबर है, तो इसमें मैं रेगुलर वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ। पहले जाके ये वाला भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो में मेंबरशिप वगैरह की आपको फैसिलिटी मिलेंगे, बहुत सारा चीजें हैं। आप एक बार जाके इसको देख लो, क्योंकि इस वीडियो में रेगुलर वगैरह वीडियो डालते रहता हूँ, और जो भी चीजें कराता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से कराता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप देखो, अगर किसी को लाइव प्रोजेक्ट सीखना है, लाइव मोल्ड डिजाइन सीखना है, लाइव टूल डिजाइन सीखना है, क्योंकि यहाँ पे देख पाओगे फोटो के साथ डालता हूँ, तो सारा चीजें यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम एक बार असेंबली देख लेते हैं। तो असेंबली में बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे कितने कॉम्पोनेंट्स है और जो है कौन से कॉम्पोनेंट कहाँ पे असेंबली होने वाला है। यहाँ पे आप अगर इसको हम देखेंगे, जैसे एक्सप्लोडेड व्यू है, एक्सप्लोडेड व्यू में देखते हैं तो पहला जो कंपोनेंट है ये लगने वाला है, दूसरी में जो आपको ये रोटर आएंगे, थर्ड जो है आपके इसे नीचे वाला बॉटम पार्ट आएंगे, फिर शाफ्ट आएंगे, ठीक है, फिर जो है आपके मोटर आएंगे। तो इस तरीके से जो है सारा पार्ट यहाँ पे असेंबली हो रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट है जिसको हमको बनाना है, तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट हम लोग का ये है, तो इसको जो है हम आज बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरीके से बना लूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको एनएक्स सॉफ्टवेयर को ले आऊंगा। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है इसको हम ऐसे करेंगे, और ये मुझे इतना जरूरत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसको हल्का सा इधर ले जाते हैं, और ये जो आपका रिबन बार है तो इसको हम कुछ इस तरीके से ले जाते हैं। ठीक है, इतने में मेरा काम बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या है, जो कॉम्पोनेंट है इसको हम कैसे लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो है मेरा है, जो है आपका एक जेड प्लान है, उसका प्लान को हम लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्केच लूंगा। कैश लेने से पहले हम जो है एक काम करते हैं, ये वाला नीचे वाला पर्सन बना देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्फेसिंग का भी यूज करूंगा, मैं यहाँ पे आपका सिंक्रोनस मॉडलिंग का भी यूज करूंगा, मैं यहाँ पे आपकी मॉडलिंग का भी यूज करूंगा। तो हम तीनों तरीके से यूज करके इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पे स्केच लेंगे, सेंटर पे स्केच लेंगे। ठीक है, तो सेंटर पे स्केच लेंगे, तो सबसे पहला जो ये आपका रेडियस है, ये आपका सिक्स का है, सिक्स का रेडियस में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना रेडियस क्या है और ये क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं हम जो है, इसको सिक्स का रेडियस है तो यहाँ पर डायमीटर बन जाएगा 12 का। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लेके यहाँ पे हल्का सा आराम आराम से बनाऊंगा, तो आप देख देख के आप भी आराम आराम से बनाना इसको, कहीं पे कुछ चीजें दिक्कत ही नहीं आएंगे, तो इसकी टेंशन नहीं आवा। दूसरा चीज है यहाँ पे जो दूसरा वाला रेडियस है, ये आपका 4.85 का है। ठीक है, तो ये हम देंगे 4.875 इंटू। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा वाला रेडियस हो गया। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, काट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम मिरर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिम 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 ट्रिम। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन में हमने ट्रिम कर दिया। अब जैसे यहाँ पे ये वाला सेक्शन हो गया, अब इस सेक्शन को हम बनाते हैं। सबसे पहले देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो लेंथ दे रखा है 8 mm का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो हमको बनाना है सेंटर से, तो हम क्या करेंगे 4 mm उधर देंगे और 4 mm उधर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो आप -4 mm इधर और जो है 4 mm प्लस इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है।
अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो इसकी थिकनेस है, जो कंपोनेंट की यहाँ पे थिकनेस है, तो ये थिकनेस कितने का है? तो यहाँ पे आप थिकनेस देखते हो तो 0.25 का थिकनेस है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे 0.25 का थिकनेस है। हर जगह आप देखो इसका कितना थिकनेस है, 0.25 का थिकनेस है। तो यहाँ पे भी इसकी थिकनेस जो आएगी 0.25 का थिकनेस आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जो थिकनेस दे रखा है पॉइंट, आपका जो ये जो इसका जो थिकनेस आएंगी आपकी 0.48 का थिकनेस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मेरा थिकनेस होगा 0.4 का है और यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है 0.25 का है, तो दोनों का जो है अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थिकनेस आपको देख लेना है कि कहाँ पे कितना थिकनेस दे रखा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इनकी थिकनेस कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे लिखा कितना है 0.25 है। तो यहाँ पे आपको देखना कौन सा है, सेक्शन व्यू है ना, उसमें देखना है। तो हम जो है यहाँ पे भी 0.25 ले लेंगे, ठीक है। आराम आराम से बनाना, जो भी चीजें है कोई डाउट हो तो आराम मेरे से पूछ लेना, मैं आराम से बता लूंगा आपको। यहाँ पे हमको क्या करना है, 0.25 थिकनेस देना है, ठीक है। इसके साथ इसको भी हटाना है कि नहीं हटाना है, ठीक है, इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है, क्लियर। तो 0.25 हम क्लियर रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सर्कल है यहाँ पे कितना है, 1.5 का है एक साइड का जो है। ये देखो यहाँ पे तो ये सेम है, लेकिन जो पीछे वाला है ये डायमीटर कितना है, 1.5 है। तो यहाँ पे एक कमांड आता है, देखो ये जो कमांड है मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा, बहुत इजी वे में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसाइज प्लेन, रिसाइज स्पेस करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कितना है, इसको हम रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे 3 का कर देंगे। देखो आपका एक बार में बन गया ना। अब देखो लेकिन ये बन गया, साथ में ये भी बन गया। अब इसको बनाना है आपको, नहीं बनाना है क्योंकि आपने रिसाइज स्पेस कर लिया, ये बनाना है। लेकिन अब मुझे इसको इसको तो नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये वाला पर्सन चाहिए। इस वाला पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको पार्ट आउट करेंगे, या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, या मैं इसको यहाँ पे स्प्लिट करके इसका मैं डायमीटर चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप कमांड ले रखो ना, यहाँ पे जैसे आप कमांड ले रखो, तो इस कमांड से क्या होता है, रिसाइज फेज आपका दोनों फेज सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम अगर इसको सिंगल फेज सिलेक्ट करके चेंज करेंगे तो एक बार में हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, हम यहाँ पे स्केच लेते हैं सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे स्केच ले लिया। अब हम ये दोनों पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। ये बाहर टू बाहर है, ये आपको इसको डरना नहीं है, तो बाहर से बाहर ही बनाना है आपको। तो मैं यहाँ पे चलो इसमें बना देता हूँ आपको, इसका कितना है, 0.4 का है, ठीक है। और इसका जो लेंथ होगा 15 mm है, सेंटर से 15 mm है, ठीक है। तो हम सेंटर से इसको 15 mm कर लेंगे, इसको जरूर कर लेना, मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, कोई आपकी बात जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये बन गया, हम इनको हम मिरर कर देते हैं। देखो इसमें एक चीज आपको रह गया है, यहाँ पे देखो ये वाला जो है ज्वाइन नहीं है, इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मैं सारा चीजें यूज करके बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको मैं मॉडलिंग से सिखा रहा हूँ, मैं सारा चीजें यूज करके बताना सिखाऊंगा, ठीक है। सिंक्रोनस मॉडलिंग का भी यूज होगा आपका, इसके बाद आपकी मॉडलिंग का भी यूज होगा, सर्फेसिंग का भी यूज होगा, ठीक है। तो ये मेरा आपको सीखने को बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे जाने के बाद जो है ना रिप्लेस फेस को लेके इसको सिलेक्ट कर लेना, इसको भी सिलेक्ट कर लेना। इससे करने से फायदा क्या होगा आपको, आपको सिंक्रोनस मॉडलिंग भी आ जाएंगे, सर्फेसिंग का भी यूज करना आ जाएगा, और आप जो है मॉडलिंग से भी बनाना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम इसको भी ये कर देते हैं, नहीं तो मुझे स्केच में करना पड़ता, तो स्केच से करने से अच्छा मैं यहाँ से कर लूँ। अब इन तीनों को मैं यूनिट कर लूंगा, ठीक है। अब ये मेरा हो गया यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रह गया आपका, हाँ एक चीज रह गया आपकी, यह जो बोल्टिंग है ना, बोल्टिंग आपका रह गया। तो हम जो है इसकी बोल्टिंग करते हैं, बोल्टिंग करने से पहले हम स्केच लेंगे, ठीक है। तो स्केच लेने से पहले आपको ये देखना है, यहाँ पे पॉइंट देना है, ठीक है। तो पॉइंट देना है हमें, तो पॉइंट में एक पॉइंट लेता हूँ, और ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट की आपका जो यहाँ पे डिस्टेंस है 0.75 है पर साइड, है ना। यहाँ से यहाँ का है 1 mm, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो है कितना है, 0.75, क्लियर। अब इसको हम करते हैं एड, सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम जो है लीनियर डिस्टेंस दे देंगे इस तरह, ठीक है। तो एक का दूसरे का बीच का गैप कितना है, 2 का है, और ये टोटल है 4, क्लियर है, हो गया। अब इसको हम मिरर करते हैं, मिरर कर्व,
सिलेक्ट करके इस फैक्टर के और विरट डाल देना, हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जो होल है 0.41 होल है, ठीक है, कितना होल है 0.41। बहुत लोग क्या करते हैं एक्सट्रूड से करते हैं, लेकिन कभी भी होल को ना एक्सट्रूड से मत यूज करा करो, ठीक है। होल का यूज होल से करा करो आप, जैसे हम यहाँ पे जनरल होल है, ठीक है, यहाँ पे डायमीटर कितना है, डायमीटर 0.41 का है, तो हम 0.41 का ही यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, 0.41 का यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें बहुत कुछ सारा चीज यूज करेंगे, अब यहाँ पे स्केच को भी यूज कर सकते हैं सीधा, ठीक है, क्लियर क्लियर है ना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे होल हो गया मेरा, अब इस होल के बाद यहाँ पे जो भी स्केच है, स्केच को हम एक लेयर में डाल देंगे 100 नंबर लेयर पे, और कंट्रोल एल करके इस लेयर को हम हाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को ये जो आपकी नोट्स है, ये जो आपका सेक्शन वाल्व के लिए सेक्शन हम बना रखा है, इस सेक्शन को बनाना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान लेंगे, दोनों प्लान लेंगे। पहला प्लान कितना है 6.15 डिस्टेंस में है, तो हम जाएंगे एट डिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे -6.15, ठीक है, आ गया सबसे पहला प्लान, ठीक है, कहाँ पे आ गए, इस जगह में आना चाहिए है ना, 6.15 का जो है प्लान आएगा, -6.15 का प्लान आ गया इधर में, ठीक है। अब दूसरा जो प्लान आएंगे इधर से, अब जो यहाँ पे दूसरा आपका प्लान आएंगे, इस प्लान को हम कराएंगे यहां से दिखवागे 5.75 का, कितना है 5.75 का प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि किस तरफ से आपको बनाना है और क्या इसमें करना है। तो दोस्तों देखो ध्यान से इसमें ये देखना है आपको, जैसे यहाँ पे मैंने प्लान ले लिया दो जगह में, ठीक है, यहाँ पे प्लान लाइव हो रहा है इस साइड में, लेकिन जो यहाँ पे आपकी सिस्टम है, सिस्टम में ये जो 6.5 है यहाँ से बड़ा दिखा रहा है। अगर मुझे आप ये चीज बताओ, अगर ये 15 mm का है टोटल, तो यहाँ पे होगा 7.5 का डिस्टेंस ज्यादा है या 6.15 का डिस्टेंस ज्यादा है, ऑब्वियसली 7.15 ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉइंग पे समझने के लिए ये आपका जो यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस है 7.5 है और यहाँ से 6.5 इसको आगे दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको वो चीजें समझ में आया और कोई इसका रीजन नहीं है। यहाँ से मैं जाऊंगा ना तो यहाँ पे ये लाई हो रहा है, लेकिन वो बातें सही नहीं है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ऐसे कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने की बात, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट प्लेन ले लेंगे, ठीक है। अब क्रिएट प्लेन की बात, सबसे पहला ये सेक्शन है, ये सेक्शन आपका कौन सा सेक्शन है, ए ए ए सेक्शन, मतलब आपका ये वाला सेक्शन हो गया बीच का, ठीक है। तो बीच का सेक्शन के लिए हम एक क्या बनाएंगे, एक जो है हम रेक्टेंगल बनाएंगे, सीट आएंगे, कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट में आपको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वर्टिकल कांस्टेंट करना है, तो मेरा वर्टिकल है तो वर्टिकल में यहाँ पे वर्टिकली कांस्टेंट करना है, क्लियर। मेरा सेंटर टू सेंटर मैच आउट है, और यहाँ से सबसे नीचे से डिस्टेंस है कितना है 5.80 है, यहाँ से कहाँ तक है, एकदम नीचे तक कितना है 5.80, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इनके और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 4.2 का है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है 5.75 का है, ठीक है। रेडियस का कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है क्या रेडियस जो है, यहाँ पे 1.5 है, ठीक है। तो हमको जो रेडियस लेना है ना 1.5 का लेना है, 1.5 बेसिकली उस वाले ड्रॉइंग पे रेडियस नहीं दे रखा है, तो हमें तो यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा 1.5 भी वहाँ पे होगा, तो हम भी वहाँ पे 1.5 ही ले लेंगे, ठीक है। एक बार देख लो डायमेंशन वगैरह, यहाँ पे 4.2 हो रखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कितना है 5.8 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अब दूसरी वाले स्केच में आऊंगा, ये वाले स्केच में आऊंगा मैं, दोनों का जो स्केच है, दोनों का जो स्केच है, तो ऊपर वाला पर्सन तो आपका सेम ही होगा, साइज अलग अलग होगा, तो हम भी यहाँ पे एक रेंडमली स्केच ले लेते हैं। ये जो आएंगे कॉन्स्टेंट आएंगे, तो हम वर्टिकल पॉइंट टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट, फ्रंट पॉइंट सेंटर पे लाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायमेंशनिंग पे जाएंगे, इसका जो डायमेंशन होंगे कितना हो रखा है, ये 7.25 है, 7.25 का, ठीक है, ये जो 7.25 है, और इसका जो लेंथ है आपका 5.25 का है, और यहाँ सेंटर से
और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये आपका 10 mm है, इधर दे रखा है 10 mm, ठीक है। रेडियस अगेन आपको 1.55 यूज करना है, 1.5, 1.5, 1.5, और यहाँ पे देखो आपका, ठीक है। तो हमने रेडियस जो है 1.5 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मेरा सेक्शन बन गया। अब इस सेक्शन को गाइड करने के लिए, इस सेक्शन जो है इसको गाइड करने के लिए मुझे एक कर्व चाहिए, ये वाला कर्व बनाना है। तो ये वाला कर्व किसमें होगा, सेंटर से जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको सेंटर पे बनाया, और कोई रीजन नहीं था सेंटर पे बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम यहाँ पे एक स्केच ले लेंगे। वो सबसे पहला जो है यहाँ से मैं एक कर्व लूंगा, फिर यहाँ से जो है मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। मैं सर्कल से टेंजेंट करने में इजी हो जाता है, मतलब सर्कल से अगर टेंजेंट करते हो ना तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा सर्कल ले रहा हूँ, सर्कल का डायमीटर क्या होगा, सर्कल ले लिया, इसका डायमीटर दे रहा होगा, इसका डायमीटर 10 का है, रेडियस 10 का है, तो डायमीटर 20 का बनेगा, क्लियर है। अब मैं सी कर रहा हूँ। अब सी में क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल पहले टेंजेंट करते हैं, चलो इसके साथ इस फेस को टेंजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, टेंजेंट हो गया। इस फेस को साथ किसके साथ करा, इसके साथ टेंजेंट करा, फिर अगेन इसको मैं इस फेस के साथ टेंजेंट करा, कर दिया, 10 का हो गया। अब देखो यहाँ पे 10 का हो गया है, लेकिन इसको आगे पीछे करना है या नहीं करना है, करना है तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यह खत्म होना चाहिए। अब ये जो कर्व है इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, कर्व एक्सटेंड हो गया, यहाँ तक ये बन गया। अब ये इसको यहाँ पे खत्म करना है, खत्म करने के लिए काटना पड़ेगा, काटने के लिए क्या चाहिए, कर्व चाहिए, है ना, यहाँ पे एक कर्व ले लेते हैं ऐसा। अब इनके बाद इनको हम करते हैं ट्रिम, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, ठीक है, हो गया, ये पूरा लाइन हो गया इधर पे, इसके बाद स्केच को एग्जिट कर लो। तो ये हो गया आपका गाइड कर्व, समझ में आ गया, ये आपका हो गया गाइड कर्व। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद सरफेस में, अब देखो सरफेस का यूज करना बताऊंगा आपको, क्या नाम है, ट्रू कर्व है, ठीक है, इसके नाम क्या है, ट्रू कर्व है। तो ट्रू कर्व को हम क्या करेंगे, एक ये कर्व सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अगेन हम इसको कर्व सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे दोनों को हम कर्व सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 11 कर्व बन गया, तो इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे पहला कर्व सिलेक्ट हो गया, फिर दूसरा कर्व, अनेबल टू यूज सिंगल कर्व फ्रॉम हैविंग मल्टीपल लूप्स, यहाँ पे मल्टीपल लूप्स है, ठीक है, मल्टीपल लूप्स जो है ये बोल रहा है कि मल्टीपल लूप्स में आपका ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी बनाएंगे। ये कैसा नहीं बोल सकते कि नहीं बना पाऊंगा, तो ऐसा थोड़ी ना, यहाँ पे इन्वर्ट की जगह सिंगल कर लेना, या इसके इन्वर्ट की जगह, सॉरी इन्वर्ट की जगह यहाँ पे हम टेंजेंट कर लेंगे, टेंजेंट, और यहाँ पे हम यहाँ पे गाइड कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो जो यहाँ पे गाइड कर्व आपने सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पे जो गाइड कर्व है पूरा सिलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा आपको नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो गाइड कर्व को जो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिल्टर बन के आता है, वो फिल्टर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे स्किन को बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल कर्व लेना है, यहाँ पे डबल कर्व लेना है, ये आपको जो कर्व लेना है ये कर्व की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके ये आर्क सिलेक्ट करना है, ये स्केच सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद यहाँ पे ये सिंगल करना पड़ेगा, ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। देखो दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये ऑप्शन मिलता है ये वाला, तो इस तरीके से हम इसको ओके कर लेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है। और इनके बाद इन दोनों को क्या करना है, यूनिट वो करना है, इसके लिए भी हम जाएंगे यहाँ पे थ्रू कब में। अब देखो इन्फर्ट कार है ना, इसको शो हो रहा था, इसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो इसको मुझे आपको जूम करके दिखाना पड़ रहा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, फिर इनको सिलेक्ट करेंगे, टेंजेंट करेंगे, ठीक है, हो गया। लेकिन ये गलत बन गया, क्यों क्यों, क्योंकि ये जो है स्केच जो है आपका गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पे पहला वाला ले रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड वाले में अगर मैं टेंजेंट कर दूँ तो फिर भी गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्व कर्व देखोगे ना, ये कर्व किस तरफ से बन गया, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो रीजन होगा। इसका रीजन एक ही बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने जो सिलेक्ट करा है, एक बार पहला वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ इन्फार्ट है ना टेंजेंट, तो पहला वाला इस कर्व से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ। अब दूसरा वाला मैं इन्फार्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इस साइड से, देखो अब सही हो गया। तो पहला आपने सिलेक्ट इधर करा, जो स्टार्ट पॉइंट है, देखो डायरेक्शन यहाँ पे है, डबल आपको यहाँ से स्टार्ट करोगे तो घूमेगा ही, सीधी सी बात है, तो उसको नहीं घुमाना होता है। अब यहाँ पे पहला कर्व जो है, ये देखो लिस्ट पे देखो, पहला कर्व भी है, सेकंड का भी है, तो सेकंड का भी इधर जो है यहाँ पे मैं लूंगा टेंजेंट, ठीक है,
टेंजन लेने के बाद इसको मैं टेंजन कर दूंगा। देखो यहाँ पे ये टेंजन होके आ गया। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है आपको? मैं इसको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहां तक बन गया है आपका। अब हम क्या करेंगे, इनको स्केच जितना भी चीजें है इसको हम 100 नंबर लेयर पे डाल देंगे। अब आपकी इसमें जो मेन काम आता है, यहां से आपकी इसकी मेन काम स्टार्ट हो जाएगा। मेन काम क्या स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये यहाँ तक तो ठीक है, ये वाला पर्सन का आपने को जरूरत नहीं है, है ना? ये वाला पर्सन को जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये क्या हो रखा है, खाली हो रखा है, इसको खाली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शो करेंगे ना, बाद में सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे रह जाएगा वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यूनिट करेंगे, एक दोनों को यूनिट करेंगे, कर दिया। उसके बाद सबट्रैक्ट करेंगे, इससे हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, कर दिया सबट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको करेंगे सेल, कितने हैं थिकनेस, कितना है 0.25 का, 0.25 इधर से इधर तक 0.25 थिकनेस कर देंगे। इनके बाद यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ऐड, ठीक है, ऐड कर दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं इसकी नाम कर रहा डिलीट फेस, जो जो कमांड मैं यूज कर रहा हूँ वो कमांड आपको यूज करते जाना है, ठीक है? यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इनको हटाना है, मतलब बेसिकली इसको हटाना है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ट्रू है, इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए आपको एक कमांड करना है, यहाँ पे जाओ आप इंसर्ट में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे जाओगे डिजाइन फीचर्स कॉम्बाइन, यहाँ पे आपको कमांड मिलेंगे ट्रिम ऑफसेट बाउंड्री बॉक्स, यहाँ पे ब्लॉक के जगह इसमें आप सिलेंडर ले लो, या नहीं तो एक्सक्रूड काट करके भी कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, या मैं आपको और सिंपल तरीके से बता दूँ, ये होगा शॉर्टकट तरीका, ठीक है? तो शॉर्टकट तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा बॉडी सिलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लूंगा फेस, फेस लेने में मेरे क्या आ गया, एक ये बन के आ गया। अब इसको कर देते हैं जो, इनके बाद यहाँ पे ऑफसेट, यहाँ पे ऑफसेट -0.5, ठीक है? आगे ये आ गया ना। अब जो है यहाँ देखो टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टच नहीं हो रखा है, इधर में टच नहीं हो रखा है। अब एक्सट्रूड कट का भी यूज कर सकते हो इस वाले स्केच को लेके, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दूंगा, इससे ये सबट्रैक्ट इसको हटा दो, सबट्रैक्ट शिफ्ट टूल को हटाना है, लो ये भी हटा दो, इसका भी जरूरत तो नहीं है। लो आपका ये आ गया, और यहाँ पे रेडियस डालना है, कितने का रेडियस डालना है, यहाँ पे रेडियस का दे रखा है 1.5 का रेडियस डाल रखा है, यहाँ पे 0.5 का हम रेडियस डाल देते 0.5 का, ठीक है? ये देखो ये आपका बन गया है। इसको अगर हम सेक्शन काट के आपको दिखा दूं मैं, तो देखो इस सेक्शन कैसा बना रहा है, इस तरीके से सेक्शन होगा, खाली है इधर से, यार इनलेट भी होना चाहिए ना इन एयर को, ठीक है? इधर से देखोगे अगर मैं इनका सेक्शन काट के दिखाऊँ ऐसे, कौन सी जगह में सेक्शन काट के दिखाऊँ, ए में, ए वाले ए में, ठीक है? ये देखो सेक्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन, ये इस तरीके से सेक्शन है ना आपका, देखो है ना, इस तरीके से सेक्शन है। इसको अगर मैं ये वाला व्यू में दिखाऊँ आपको, वायर फ्रेम वाला सेम वाला व्यू देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे कट आउट है, यहाँ पे ये लाइन है, परफेक्ट, समझ में आ गया ना? इस तरीके से आपको भी बनाना है। अगर साथ ही यहाँ पे भी रेडियस का यूज करना है, तो आप यहाँ पे भी आप रेडियस का यूज कर सकते, ठीक है? यहाँ पे भी आपको रेडियस का यूज करना है, तो यहाँ पे भी आप रेडियस का यूज कर सकते, ऐसे यहाँ पे देने रखा है यूज करना है तो कर सकते हो। तो इसका पार्ट जो है, इस पार्ट को हम सेव कर लेते हैं, इस पार्ट का हम जो है सेव कर लेते हैं, आपके नाम के फोल्डर दे दूंगा, और ये जो फोल्डर है इसको मैं आपको आपके नाम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो जैसे मेरा क्या है, इसका मोटर ब्लॉक असेंबली है, तो इसको हम लिखते हैं मोटर, कैपिटल में लिखते हैं मोटर ब्लोअर असेंबली, ठीक है? तो इसका नाम का कंपोनेंट का नाम क्या है, अपर होल्डिंग, अपर हाउसिंग, ठीक है? यहाँ पे सेव कर लेते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपका बन गया है आपका अपर हाउसिंग जो है, ठीक है? तो दोस्तों अब जब हम बनाएंगे दूसरा पार्ट बनाएंगे, लोअर हाउसिंग बनाएंगे, ठीक है? तो लोअर हाउसिंग में सबसे पहला क्या है, यहाँ पे आपको देखने वाली चीज जो है, यहाँ पे हम एक स्केच ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने को ये सेम तरीका यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है? तो सबसे पहला बाहर वाला जो है कितना डायमीटर का है, 6 का है, तो हम इसको कर देंगे 12 का,
क्लियर। इसको हम कर देते हैं 12 का, ठीक है। 12 के बाद यहाँ पे आपको एक यो बनाना है, ये आपका बनेगा 4.875 इंटू 2, ठीक है। सेम तरीका वो यूज करेंगे हम इतना बनाने का, ठीक है। यहां तक आप हम जो है सेम तरीका यूज करने वाले हैं, डन। फिर ट्रिम कर देंगे, नीचे से बनाते हैं ऊपर से बनाते हैं, चलो हम ऊपर से बना देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें तो ऐसे दे रखा है आपने, तो ऐसे बनाया ना, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। अगेन जो है सेम 8 mm होगा यहाँ पे, ये 8 mm दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना 8 mm, तो 8 mm ही होगा यहाँ पे भी, ठीक है। 8 mm हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे फिर इसको वो करना है, कितने करना है, 0.25 का यहाँ पे आपको करना है, 0.25 का हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 0.25 के लिए सेल करूंगा, ठीक है, डन। अब यहाँ पे जो बाहर वाला सरफेस है ये सेम रहेगा, लेकिन ये वाला सरफेस आपका 3 का बनेगा। तो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके रिसाइज फेस सिंगल फेस को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट मत करो, यहाँ पे हमको 3 का डाल देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 का, कोई बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया है। अब हम यहाँ पे अगेन एक्सट्रूड का यूज करेंगे, ये वाला स्केच, सॉरी ये वाला स्केच लेना है सेंटर वाला, और आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है एक, तो ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो ये हाइट होगा 0.41 है, 0.41 का है, ठीक है, 0.41 है यहाँ पे। अगेन इधर से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा ना 15 mm है, यहाँ तक 14 mm दे रखा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, 14 mm इधर तक है, यहाँ से देखो ना ये थोड़ा सा आगे है, तो 1 mm जो है 15 mm ये होगा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका 7.5 का होगा। फिर इनको आपको क्या करना है, मिरर मार देना है, ठीक है, मिरर, यहाँ पे मिरर कर देंगे हम इसको, ओके। फिर क्या कर देना है इनको, 4-4 कर देना है फार साइड का। फिर जो है आपको यहाँ पे जाने के बाद रिप्लेस पेज, ठीक है, मे बी रिप्लेस पेज आपको नहीं मिले तो मेरा कमांड कौन सा यूज कर रहा हूँ देख लेना, क्योंकि मैं स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूँ, इसलिए आपको मे बी दिखाई ना दे, लेकिन आपको जो है कमांड तो दिखाई आ रहा है, तो कमांड कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो उस कमांड के थ्रू आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो नीचे वाला पोर्शन मेरा बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये होल बनाना है, ठीक है। तो होल बनाने के लिए हम क्या लेंगे, स्केच लेंगे, तो स्केच के जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लेंगे, ठीक है। जो पॉइंट का डिस्टेंस है अगेन वो सेम है आपका डायमेंशन के हिसाब से, जो लास्ट टाइम हमने करा था, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 mm का है या 2 mm का है, कितने mm का है, यहाँ से यहाँ तक 1 mm का है आपका, 1 mm, और इधर के डिस्टेंस जो है 0.75 का है ना, 0.75 है, ये जो बोल रहे हो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से देख के ले रहा हूँ इस जगह से। फिर पैटर्न कर देना है आपको रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। फिर आपको मिरर कर देना, इसको सिलेक्ट कर लो इस तरीके से, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लेके मिरर कर लो, डन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे फिर होल सीरीज का यूज करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पे एक एक सिलेक्ट करने से अच्छा यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट करके आप ओके कर दो। 0.41 का है, देखो 0.41 का होल है, तो यहाँ पे टेपिंग होल नहीं है, यहाँ पे सिंपल होल है, तो यहाँ पे टेपिंग होता था, टेपिंग का यूज करता, ठीक है, यहाँ पे सिंपल होल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो स्केच है और जो पॉइंट है इनको भी हम क्या करेंगे, 100 लेयर पे डाल के कंट्रोल एल डाल के इस लेयर को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बनानी है ये ऊपर वाला पर्सन बनाना है, ठीक है। ऊपर वाला पर्सन के लिए मैं अगेन जाऊंगा, इसमें स्केच लूंगा, ले लिया मैंने स्केच, ये स्केच लेना है मुझे। लेने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है मुझे, ठीक है, एक कोई ऐसा रेक्टेंगल बनाना है। अब जो रेक्टेंगल होगा इसकी जो लेंथ है 1.5 mm है, और ये यहाँ से 5 mm के डिस्टेंस में है, कितना है 5 mm ऊपर से,
कहां तक, यहां तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक 5 एमएम के डिस्टेंस में, ठीक है। सेंटर टू सेंटर करने के लिए हम वर्टिकल कांस्टेंट का यूज करेंगे, ये कांस्टेंट और इसके साथ ये कांस्टेंट यूज कर लेना है आपको। तो ये सेंटर पे आ गया। अब इसकी लेंथ कितना है, लेंथ जो है ये यहाँ पे 14 एमएम का दे रखा है, 14 का। तो ये बन गया मेरा फुल्ली फुल्ली डायमेंशन उड़ रखा है, सेंटर है, 14 है, ये है, जो भी है, एक्स वाई जेड सब होगा। होने के बाद यहाँ पे हम इसको 6-8 एमएम का एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हो गया, होने के बाद यहाँ पे यूनिट कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो यूनिट हो गया, लेकिन ये वाला आ गया, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट क्राउन हो रखा है, तो आपको यहाँ पे ये डिलीट फेस करना पड़ेगा। डिलीट फेस कर दोगे तो ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये रेस्टिंग लेग है ना, ये रेस्ट होगा इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे इतना है, यहाँ पे आग बढ़ रहा है, मतलब 1 mm का डिस्टेंस में होगा ये। 1 mm कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ले लेंगे वर्टिकल, और यहाँ से यहाँ तक कितने mm होगा, 0.5, मतलब 0.5 उधर, 0.5 इधर, 1 mm का ये हो जाएगा। इसका नाम क्या है दोस्तों, लोअर हाउसिंग, लोअर हाउसिंग। इसको बना लेना, आप सीखने को बहुत मिलेंगे आपको, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बिल्डअप होगा। बहुत टफ नहीं है, मैं बहुत इजी तरीके से बना रखा हूँ, आप भी बना सकते हो, कोई और भी, कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत इजी तरीके से बना रखा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन काट के आपको दिखा दूँ ना, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे भी ये उल्टा सेक्शन काटना पड़ेगा, ये देखो है ना, ये इतना सा पर्सन ये जो दिखा रहा है, ऐसे आके ये ऊपर जा रहा है, यहाँ तक है, तो ये क्रॉस सेक्शन है इस तरीके से। तो ऐसे क्रॉस सेक्शन करके भी देख लेना, कभी कभी कुछ चीजें एरर हो जाता है, बाद में उसको आप ठीक कर सकते हो। बनाने का कुछ आप जैसे नया बनाते हो, बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं चलेगा, समझ गए मेरी बात को। तो इसको जो है क्रॉस सेक्शन करके काट के एक बार देख जरूर लेना। तो थर्ड में हम आते हैं, तो थर्ड जो है यहाँ पे ब्लोअर है, ठीक है। तो ब्लोअर है थर्ड में, तो हम इसमें लेते हैं, जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे मैं मॉडल कर लूंगा, ठीक है। तो मॉडल पे हम क्या करेंगे, थर्ड में बनाएंगे ब्लोअर को। होम में गया, जाने के बाद स्केच लूंगा, ये वाला स्केच लूंगा, ठीक है। अब हम ये वाला पोर्शन का बना के रिवॉल्व करेंगे, मेरी बात को समझ में आ रहा है ना। एक मैं यहाँ पे कार्ब ले लिया, इस कार्ब का जो है लेंथ है 2.5 का, ठीक है। ये 2.5 का ये कार्ब है, यहाँ पे कन्वर्ट टू सेंट्रल लाइन कर देते हैं, ठीक है। इनके बाद यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू एक मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। इस रेक्टेंगल का जो थिकनेस होगा, यहाँ पे जो ये इसकी थिकनेस है, थिकनेस तो मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक 3 mm है, 3 mm है ना, 3 डायमीटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 का यूज करना पड़ेगा दोस्त। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये कितने का दे रखा है, अंदर जो है 1.5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.75 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाना है, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाना है ऐसे, ये वाला इसकी थिकनेस होगा 0.5 थिकनेस है इसकी, ठीक है। ये जो है 2.5 है, 2.5 हमने यहाँ पे दे रखा है, 2.5 है, 0.5 है, और इसकी जो डिस्टेंस होंगे, तो ये कितने का होगा, बाहर टू बाहर देखो यहाँ पे 11 mm का है, 11 mm होगा तो सेंटर से है, तो सेंटर से हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 11 mm है, कितना है, 3.55 है ना। तो इसको हम करेंगे 11 by 2, तो ये इस तरीके से आपका इतना लंबा होगा, ये देखो ना 11 का डायमीटर का है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर पे कम करना पड़ेगा ना, तो 11 mm का डायमीटर का है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने क्या है, 11 mm का डायमीटर का हो रखा है, ठीक है। तो डायमीटर सेंटर से होगा, तो यहाँ पे भी हम जो है 5.5 कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन है, इसको हम ट्रिम आउट कर देंगे, क्लियर है, क्लियर है ना। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हम इसको एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे रिवॉल्व, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सेल्फ इंटरसेक्टिंग ये बता रहा है, ये सब जो होता है ना, तक ये जो इनफर्ट है इसको वजह से होता है, तो आप यहाँ पे टेंजेंट कर देना और कनेक्टेड कर लेना, ठीक है। तो इससे बेस्ट होता है ये सब चीजें यूज मत कर लेना, सेंटर पे आना चाहिए ये वाला, हम इसको रिवॉल्व कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका नीचे वाला प्लेटफॉर्म आ गया, जो ये वाला प्लेटफॉर्म है आपका ये आ गया।
अब इसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, तो यहाँ पे एक्सट्रूड का हम स्केच लेंगे, ठीक है। एक्सट्रूड का स्केच लेने से पहले आपको यहाँ पे एक थिकनेस है 0.15 का थिकनेस है, तो कुछ समथिंग यहाँ पे कुछ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑफसेट करेंगे इसको, कितना है 0.15 का थिकनेस का समथिंग कुछ है, तो यहाँ 0.15 का थिकनेस का जो भी है हम इसको ऑफसेट कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनके बाद यहाँ पे आपको एक स्केच बनानी है, एक रेक्टेंगल बनानी है बेसिकली इस पॉइंट से, है ना। तो ये एक रेक्टेंगल बनाया, अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी थिकनेस होंगे, इसकी जो लेंथ होगा, ये लेंथ दे रखा है 2.48 का, ठीक है। और इनकी जो थिकनेस दे रखा है यहाँ पे, जो इनकी थिकनेस दे रखा है, इनकी थिकनेस जो होगा आपका कितने का दे रखा है 0.25 का, ठीक है। तो आपको समझ में ये आ गया कि इसका थिकनेस इतना है, और इसके बाद जो यहाँ पर है, और इनकी डिस्टेंस दे रखा है, एक तो 2.4 का डिस्टेंस दे रखा है। बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं देना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा, डिस्टेंस तो नहीं देना चाहिए। डिस्टेंस मतलब ऑफसेट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, तो ये आपके सर्कुलर होता है, तो डिस्टेंस से तो मुझे कोई नहीं, मतलब नहीं मिलता है कि यार डिस्टेंस होना चाहिए। तो डिस्टेंस जो भी हो रखा है, चलो हम डिस्टेंस दे रहे हैं, हम भी डिस्टेंस दे देते हैं इसकी। यहाँ पे जो डिस्टेंस है 2.4 का है, ठीक है, 2.4 में इसको कट ऑफ लगाना है, ठीक है भाई। जैसे आप लोग बना रहे हैं, यहाँ पे डायमेंशन है, हम उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे इसको कट आउट करेंगे, अगेन यहाँ पे इसको कट आउट करेंगे, ठीक है। कट आउट करने के बाद ये जो लाइन है इसका जरूरत नहीं है, और यहाँ पे लाइन जो है इसका भी जरूरत नहीं है, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन चाहिए मुझे, हाँ। यहाँ वाली लाइन को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट तो यहाँ पे हम उसके बाद ट्रिम करें, ट्रिम 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 ट्रिम, ठीक है, ट्रिम ट्रिम। तो ये देखो यहाँ पे एक लाइन आ गया, और यहाँ पे जो है ओवर कॉन्स्टेंट हो गया, इसको हटा दो, ठीक है, कंट्रोल जेड। यहाँ पे देखोगे ये जो कमांड है, कोई भी एक को हटाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जैसे ओवर कॉन्स्टेंट हो गया है, तो हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देंगे, डोंट शो मी द मैसेज कर देते हैं, यहाँ पे हटाने के बाद ये हट जाता है। तो यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट को हटाएंगे आप, ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक आपको क्या दिखाएंगे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ गया, मिसिंग स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पे हमने इसको ट्रिम करना रह गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे चीजें शो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। अपने को यहाँ पे चले जाना है, जाने के बाद यहाँ पे रीजन फीचर्स का यूज करना है, बस। अब उसके बाद करना है यू है कितना एमएम डिस्टेंस पे जाना है, लगभग मैं इसको -4 को अभी के लिए हटा देता हूँ। कितना एक्सट्रूड करना है, मैं इसके लिए यहाँ पे आऊंगा, फिर देखना है ना मुझे, क्योंकि तो ऐसा तो नहीं है, मुझे भी देखना है कितना है 6.5 का। तो यहाँ पे जाके इसको मैं 6.5 कर दूंगा, 6.5, ठीक है। और ये जो स्केच था, स्केच में हमने इसको हटाना भूल गया, हमने ये जो था इसको हमको काटना भूल गया था, तो इसको भी अगर काटना है तो यहाँ से जाके इसको यहाँ पे इसको काट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे काट कर दो, नहीं तो इसको जो है आपको यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने इसको स्केच कर दिया, यहाँ पे ये वाला पोर्शन को हमने रीजन बाउंड्री ले लिया, ठीक है, हो गया आपका। अब ये जो है कितना है, एक दो तीन चार पांच छ, तो हमको इसको 6 को जो है एरे करना है, ठीक है। पैटर्न यहाँ पे जाने के बाद सेंटर पे लेके पैटर्न कर देना है, 6 आ गया आपका 6 का पैटर्न, ठीक है। इनके बाद यहाँ पे एक स्केच लेना है मेरे को, ठीक है, स्केच ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे रीजन बाउंड्री है, तो इसको जब आप लेते हो ना, तो इसको फिर सिंगल कर लेना, ठीक है। और इनके बाद जो ये स्केच है, इनको स्केच को मैं यहाँ पे एक जो है प्रोजेक्ट कर लूंगा, ये जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, आगे ऊपर। इनके बाद इसका जो है 8 mm का डायमीटर का एक स्केच है, सेंटर पे आऊंगा, 8 का डायमीटर बन गया। अब इसको जो है एक्सट्रूड करना है, कितना का एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड करना है ना, ये देखो 0.25 का है, 0.25 का एक्सट्रूड कर देना है, हो गया आपका। हम इनको सबको यूनिट कर देते हैं, ठीक है। और जो भी स्केच था, देखो स्केच को अगर पहले फुल डिफाइन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप डिफाइन कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते हो ना, मतलब नहीं हो रहा है, तो जो आपका यूजफुल है उससे काम बना लो आप, ठीक है। लेयर पे डाल दिया, अब इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो है इस तरीके से है आपका, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसका नाम क्या है, ब्लोअर,
अभी आपको इसका सेक्शनिंग दिखाते हैं। सेक्शनिंग देखो आप, इस तरीके से सेक्शनिंग है, ये सेक्शन है, यहाँ पे ये क्रॉस क्रॉस है, ये देखो क्रॉस क्रॉस है, तो ये आपका ब्लोअर है, ठीक है। तो इसका हमने ब्लोअर का बना दिया है, साइज वगैरह सेम आ रहा है कि नहीं एक बार आपको यहाँ पे एनालिसिस में जाके देख लेना है, तो आप एनालिसिस में जाके देख सकते हो। यहाँ पे यहाँ से कितना होना चाहिए, 7.25 है, तो 7.25 क्यों है, तो यहाँ पे देखो ना 6.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6.5 है और यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ पे यहाँ तक देखो 6.25 और प्लस जो है यहाँ 0.5, 7 हो गया, 7 प्लस 25, 0.25, तो 0.25 हो गया, तो सही है। और इसका अगर आपको डी करके देखना है तो यहाँ पे 1.5 दे सकते हो। इसको मैं जैसे शॉर्टकट कमांड दबाता हूँ जी, जी से मेरा ये आ जाता है 1.5 है, 1.5 मतलब 3 का रेडियस है, 1.5 रेडियस में ये उसको लाने के लिए क्या कमांड यूज करते हो। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यूज करना है। ये सारा चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं चीजें अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, बेसिकली कंट्रोल 1 पे जाना है, ठीक है। कंट्रोल 1 पे जाने के बाद यहाँ पे आप जाओ शॉर्टकट में, ठीक है। शॉर्टकट के जाने के बाद कीबोर्ड में चले जाओ। कीबोर्ड में जाने के लिए जी मतलब क्या कमांड होता है, मेरे ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस मुझे कहाँ पे मिलेंगे, जैसे मेरे यहाँ पे अगर सर्च करूंगा ना तो मुझे मिलेंगे एनालिसिस में, एनालिसिस के जाने के बाद मुझे मिलेंगे ज्योमेट्रिकल कहाँ पे प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे जी डाल देना, जाने के बाद असाइन कर देना, क्लोज कर देना, क्लोज कर देना, तो यहाँ पे शॉर्टकट आपका आ जाएगा। कोई भी एनएक्स की शॉर्टकट यूज करना है तो आप इस तरीके से शॉर्टकट वगैरह डाल सकते हो। ए डालूंगा मेरा ए अलग आ जाएगा, बी डालूंगा अलग आ जाएगा, मैं अपने हिसाब से एनएक्स में शॉर्टकट वगैरह लगा पाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया है, कोई किसी को अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सेव कर लेता हूँ। और किसी को क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप एडवांस क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है मेरा, ये वाला पार्ट आएगा,